चैप्टर नंबर 4 चल रहा अपना, उसके अंदर जो नया टॉपिक है वो ये है समांतर प्लेट संधारित्र का ऊर्जा घनत्व। अब घनत्व की बात करते हैं तो घनत्व क्या होता है? ये होता है द्रव्यमान बटा आयतन, मतलब आयतन का डिवाइड देना, बात सीधी सी है। इसका मतलब ये हो गया कि एकांक आयतन में कितनी ऊर्जा संचित होती है, किसके बीच में? संधारित्र की प्लेटों के बीच में, तो वो क्या कहलाता है? ऊर्जा घनत्व कहलाता है। सिंपल सी बात समझवाएगा, ऊर्जा घनत्व का मतलब क्या होता है? आयतन का भाग देना, समझना ही बात। जो d बराबर m बटा v किया था, v में v क्या है? आयतन, आयतन का अपन भाग देते हैं तो वो एक घनत्व होता है, द्रव्यमान घनत्व होता है। यहाँ ऊर्जा घनत्व की बात हो रही है, जिसका मतलब ऊर्जा में किसका भाग देना है? आयतन का भाग देना है। तो इसकी जो परिभाषा है वो क्या है? किसी समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य एकांक आयतन में जो संचित ऊर्जा होगी, संचित ऊर्जा वो क्या कहलाएगी? ऊर्जा घनत्व कहलाएगी, या फिर समांतर प्लेट संधारित्र का ऊर्जा घनत्व कहलाती है। अब रही बात अब ऊर्जा का कैसे करें, ऊर्जा घनत्व कैसे लिखें, तो एकांक आयतन में, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा? ऊर्जा घनत्व है, उसका मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, मैं इसको लिखते स्मॉल यू से। ऊर्जा घनत्व कैसे लिखा था कल अपन ने? कैपिटल यू से। एकांक आयतन है तो ये क्या हो जाएगा? वी हो जाएगा। तो चूंकि जो ऊर्जा होती है संधारित्र की, जो ऊर्जा होती है संधारित्र की संचित ऊर्जा, उसका अपन ने कल एक फॉर्मूला पढ़ा था, 1/2 q² / c, ये पढ़ा। अब q² / c ये पढ़ा है तो अपने को q का मान चाहिए, c का मान चाहिए। अब देखिए आप, क्योंकि जो ये जो q है इसकी जगह मैं ऐसे लिख रहा हूं विद्युत क्षेत्र E बराबर एक फॉर्मूला होता है सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा की जो वैल्यू होती है q/a εr। ए क्या चीज है यहाँ पे? प्लेट का क्षेत्रफल है, प्लेट का क्षेत्रफल, ठीक है। अब अगर मैं इसको देखूंगा तो q की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी, इसको इससे देखो कंपेयर कीजिए, इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा e a εr हो जाएगा। ये किसकी वैल्यू मिली अपने को? q की वैल्यू। अब सी की, सी क्या धारिता है? तो संधारित्र की जो धारिता होती है समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता है वो कितनी है? धारिता को लिखते हैं अपने सी से, सी बराबर होता है ε₀ a/d, ठीक है। ये अपने पास क्या मिली? धारिता प्राप्त हो गई है, धारिता प्राप्त हो गई है। अब अपन क्या करते हैं? Q और C का मान रखते हैं। ये समीकरण एक कर दो, ये समीकरण दो और ये समीकरण तीन। यहां लिख रहा हूं मैं समीकरण एक में 2 व 3 का मान रखने पर तो जो U का मान मिलेगा, कैपिटल U का 1/2, Q का मान कितना था? ये रहा e a εr, तो ये e a εr का क्या हो जाएगा? स्क्वायर बटा c का मान कितना दिया हुआ है? ε₀ a/d, ε₀ a/d। तो देखिए यहाँ स्क्वायर है तो u का मान 1/2, ये e स्क्वायर हो गया, ये a स्क्वायर हो गया, ये ε₀ स्क्वायर हो गया, d नीचे पड़ा है तो ऊपर आ जाएगा, और यहाँ पे ε₀ a कट जाएगा यहाँ से, तो मेरे पास जो u का मान मिलेगा 1/2 यहाँ से हो जाएगा e स्क्वायर और ε₀
बच गया है, यहां से ए बचा इनटू में डी बच गया। अब क्षेत्रफल इनटू लंबाई या चौड़ाई ऊंचाई जो भी आए उसका क्या बोलते हैं, आयतन बोलते हैं। तो जो कि आयतन का जो मान होता है वी बराबर ये होता है एरिया इनटू डेप्थ, मतलब जो उनकी भीड़ की लंबाई है। तो इसको मैं यू इक्वल्स टू वन बाई टू एप्सिलॉन जीरो ई स्क्वायर और यहाँ पे क्या लिख दिया, वी लिख दिया। अब अपने को जो चीज चाहिए थी वो चीज चाहिए थी ऊर्जा घनत्व। तो ऊर्जा घनत्व चाहिए था तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो देखिए अगर मैं यू अपॉन वी करूंगा, वी को इधर लेके आओगे तो आपके पास बचेगा एप्सिलॉन जीरो ई स्क्वायर बचेगा और ये क्या था, ऊर्जा घनत्व। तो इसका मतलब ये हो गया अर्थात ऊर्जा घनत्व है यू का मान एक बटा दो एप्सिलॉन जीरो ई स्क्वायर। अब एक और चीज देखिए आपने, आपने एक पिछले चैप्टर के अंदर एक चीज की थी अपने दो नंबर चैप्टर के अंदर जो गॉस का नियम या उसके अनुप्रयोग थे, उसमें जो सेकंड लास्ट जो हेडिंग थी एकांक आयतन में संचित ऊर्जा, वहां पे एकांक आयतन में संचित ऊर्जा और यहाँ पे क्या ऊर्जा घनत्व, तो एक ही बात होती है, एकांक आयतन में संचित ऊर्जा यही बोला हुआ है। तो इसकी इसका जो फॉर्मूला है एक बटा दो एप्सिलॉन जीरो ई स्क्वायर और वहां पे भी जो फॉर्मूला था वो एकदम सेम था। इसका मतलब यह होगा किसी भी चालक के अंदर जो ऊर्जा संचित होती है एकांक आयतन में वो कितनी होती है, एक बटा दो एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर होती है, सिंपल। ठीक है, तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, ऊर्जा घनत्व का फॉर्मूला मिल जाएगा। ठीक है, अब नए टॉपिक पे चलते हैं। जो नया टॉपिक है अपने पास ये है कि संधारित्र के श्रेणी क्रम संयोजन में ऊर्जा। भाई अगर अपन ने क्या कर दिया, संधारित्र श्रेणी क्रम संयोजन कर दिया, बहुत सारे संधारित्र है वो श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए तो उसकी ऊर्जा कितनी होगी वो अपन चेक करते हैं। अब देखिए आपने मान लिया कि यहाँ पे जो जो अलग अलग कैपेसिटर है वो ऐसे n कैपेसिटर इसमें जोड़ दिए गए, ठीक है, जिनकी धारिता C1, C2, C3 एंड सो ऑन CN है, सिंपल। अब देखिए यहाँ अपने को क्या निकालिए, ऊर्जा निकालनी है, ठीक है। तो माना लिखना क्या है, माना एन संधारित्र जिनकी धारिताएं क्रमशः C1, C2 एंड सो ऑन CN है, इन्हें परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। देखिए इस कंडीशन के अंदर तो जोड़ा गया तो अपने को क्या करना पड़ेगा, ऊर्जा निकालनी पड़ेगी। तो ऐसे कर देते हैं, क्योंकि संचित ऊर्जा होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है एक बटा दो क्यू स्क्वायर बटा सी, एक होता है एक बटा दो सी वी स्क्वायर, एक होता है एक बटा दो क्यू वी होता है, तीन फॉर्मूला। अब देखो चूंकि यहां पे जो तुल्य धारिता है, तुल्य धारिता का फॉर्मूला होता है वन अपॉन में सी एस कर देता हूं, सी एस का मतलब श्रेणी क्रम सीरीज के अंदर ये तुल्य है, इसका मान कितना होता है, एक बटा C1 एक बटा C2 प्लस प्लस एक बटा CN, सिंपल कारण। अब मैं यहां पर ऊर्जा का फॉर्मूला इन तीनों में से कौन सा लगाऊंगा, मैं लगाऊंगा ये वाला फॉर्मूला, क्यों लगाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे तुल्य धारिता में जो धारिता आ रही है सी का मान नीचे आ रहा है, कौन में आ रहा है, इसमें कौन से फॉर्मूले में कौन में आ रहा है, तो इस वाले में आ रहा है, मैं ये फॉर्मूला लगाऊंगा। तो क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो पहले संधारित्र की जो धारिता है वो कितनी हो जाएगी, पहले संधारित्र में जो ऊर्जा है वो कितनी होगी, इसको मैं ले लेता हूँ यू1 में एक बटा दो, ठीक है, और यहां पे मैंने
या यूं कहो इस तरह से न लेके इस तरह से कर दो कुल संचित ऊर्जा यू बराबर एक बटा दो क्यू स्क्वायर अपॉन में सी एस तुल्य क्यों सी एस तुल्य रहता है तो मेरे U बराबर एक बटा दो क्यू स्क्वायर एक बटा सी एस का मान है एक बटा सी वन प्लस एक बटा सी टू प्लस प्लस एक बटा सी एन तो U बराबर एक बटा दो अंदर भेजो तो क्यू स्क्वायर बटा सी वन आ जाएगा एक बटा दो क्यू स्क्वायर बटा सी आ जाएगा सी टू प्लस प्लस और यह एक बटा दो क्यू स्क्वायर अपॉन में कितना आ जाएगा सी एन तो ये जो आ रही है अपने पास तो पहले संधारित्र की ये ऊर्जा है और ये हो जाएगी दूसरे वाले की और इस तरह से ये क्या हो जाएगा एन वे संधारित्र की जो ऊर्जा होगी वो ये आ जाएगी तो इससे क्या पता चला अपने पास फॉर्मूला में रख दिया ये आ गया भाई अपने को क्या पता चला कि जो संधारित्रों में जो कुल संचित ऊर्जा होती है वो सभी संधारित्रों में ऊर्जा के योग के बराबर होती है तो यू का मान कितना होगा यू वन प्लस यू टू प्लस प्लस यू वन हो गया तो ये सारे सारे क्या होंगे जुड़ जाएंगे तो इसमें लिखेंगे नीचे इस प्रकार श्रेणीक्रम संयोजन में कुल संचित ऊर्जा सभी संधारित्रों में संचित ऊर्जाओं के योग के रूप में या योग के बराबर प्राप्त होती है ये आपके पास क्या हो गया ये हो गया संधारित्रों के श्रेणीक्रम संयोजन में ऊर्जा अब इसी प्रकार अगर अपन समांतर क्रम संयोजन में ऊर्जा देखें तो कितनी होगी चेक करते हैं तो देखिए अपन क्या करते हैं समांतर क्रम संयोजन में ऊर्जा देखते हैं कितनी होती है तो वही बात अपन ने ऐसे n संधारित्र है वो ऐसे जोड़े गए हैं ऐसे जोड़े गए जिनकी धारिता सी वन सी टू सी थ्री सी एन ठीक है अब ये कर दिया अब अपन वही चीज माना एन संधारित्र जिनकी धारिताएं क्रमशः सी वन सी टू एंड सी एन है इन्हें समांतर क्रम में जोड़ा जाता है ठीक है तुल्य धारिता तुल्य धारिता इसको मैं लिखता हूं सीपी से सीपी का मतलब पैरेलल समांतरता तो ये क्या हो जाएगा सी वन प्लस सी टू प्लस प्लस सी एन हो जाएगा सिंपल कहानी तो संचित ऊर्जा है क्योंकि जो संचित ऊर्जा है वो कितनी होती है वो ये होती है U का मान एक बटा दो क्यू स्क्वायर अपॉन सी एक बटा दो सी वी स्क्वायर और एक बटा दो क्यू वी समांतर क्रम संयोजन के अंदर कौन सा सूत्र लेंगे वो अपन चेक करें अब देखिए श्रेणी क्रम संयोजन के अंदर क्या चीज कॉन्स्टेंट मतलब समान रहता है अब इसका मान समान रहता है विभव का मान अलग अलग होता है तो अपन ने आवेश का मान समान है ये ले लिया ठीक है अब समांतर क्रम संयोजन में विभव का मान समान रहता है आवेश का मान अलग अलग तो यहाँ पे खाली विभव है जबकि ये नहीं ले सकते ये विभव और दोनों का क्या है आवेश है तो मेरे पास क्या कर दिया मैंने इसको लिख दिया मान लिया जो तुल्य है या यूं को कुल जो कुल संचित ऊर्जा है वो U का मान एक बटा दो सी वी स्क्वायर कर दिया और यहाँ पे ठीक कर दिया सॉरी सी पी स्क्वायर कर दिया ये सी पी इंटू वी स्क्वायर सी पी क्या चीज है तुल्य धारिता है
अगर सीपी का मान रखने पर देखेंगे तो 1/2 ये है C1 प्लस C2 प्लस प्लस CN और यहाँ हो जाएगा V2। अगर मैं इनको अलग अलग करता हूँ तो 1/2 C1 और ये क्या हो जाएगा, इसके अंदर गया ये V2 पड़ा है C1 V2, 1/2 C2 V2 प्लस प्लस 1/2 CN V2। तो इससे अपने को क्या पता चला कि जो U का मान है ये किसका मान है, पहले वाले संधारित्र की ऊर्जा, ये दूसरे वाले की प्लस प्लस कितना हो जाएगा, इसमें भी वही बात आती है निकल के कि जो कुल जो संचित ऊर्जा होती है जो सभी संधारित्रों के ऊर्जाओं के योग के बराबर होती है। सिंपल कहानी, दोनों का मान क्या रहता है यहाँ पे सेम, चाहे समान श्रेणी क्रम में हो चाहे समांतर क्रम में हो, जो अगर संचित ऊर्जा होगी वो सबकी क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। ये इस तरह से इन संयोजनों के अंदर अपन ने ऊर्जा का मान निकाल लिया। ठीक है, अब देखिए नया टॉपिक है अपने पास, वो ये है चालकों में आवेशों का। पुनर्वितरण ये अपने पास नया टॉपिक है, चालकों में आवेशों का पुनर्वितरण। अब ये आवेशों का पुनर्वितरण क्या है, ध्यान से सुनिए, अच्छा टॉपिक है। मान लीजिए आपके पास एक चालक है, ठीक है, इसमें आवेश है वो है Q1, विभव है वो है V1, धारिता है वो है C1 और इसकी जो त्रिज्या है वो दे रखी है आपको R1। ठीक है, एक दूसरा चालक है, ये A मान लो और ये क्या हो गया B है। ये इस पर जो चार्ज है वो है Q2, विभव है आपके पास V2 और धारिता है वो आपके पास C2 और इसकी जो त्रिज्या है वो दे रखी है आपको R2। इसमें विभव V1 मतलब और इसमें विभव V2 आवेश, इस तरह से अलग अलग आवेश है। इसने बोला आवेशों में आवेशों का पुनर्वितरण, तो इसका मतलब पुनर्वितरण मतलब डिस्ट्रीब्यूशन करना अपने को। अपन क्या कर दिया, इन दोनों को एक तार के माध्यम से जोड़ दिया जाए। अब तार के माध्यम से जोड़ दिया जाता है तो इसमें जिसमें ज्यादा आवेश होगा वो कम आवेश वाले की तरफ से उसमें आवेश स्थानांतरित कर देगा। अब जो नया खेल बनेगा अपने पास, जो नया जो ये चालक है इस पर जो चार्ज होगा वो तो ले लिया Q1' और विभव दोनों में कॉमन, धारिता रहेगी सेम रहेगी और त्रिज्या भी क्या रहेगी सेम। और जो दूसरा वाला है वो उसमें क्या हो जाएगा, आवेश हो जाएगा Q2' विभव V और धारिता C2 और ये त्रिज्या है मूल की R। ठीक है, ये तो है संयोजन से पूर्व और ये है संयोजन के पश्चात। सिंपल, देखिए अब यहां पर इस तरह से मान लो, एक एक अलग एग्जांपल लेके चलो, आपके पास एक टंकी है, पानी की टंकी है, अब वो मान लीजिए आपके पास है 20 लीटर की टंकी, ठीक है, और एक है आपके पास वो है 10 लीटर की, ठीक है, इसमें पानी पूरा भरा हुआ है, इसमें इसमें मान लो आपके पास है 10 लीटर पानी भरा हुआ है, इसके अंदर है वो है 6 लीटर पानी भरा हुआ, ठीक है। अब क्या करते हैं, ये जो 20 लीटर है ना ये इसकी धारिता है और ये 10 लीटर है ना ये इसकी धारिता है, कितना वो धारण कर सकती है, ये 10 लीटर जो पानी भरा होगा ये इसका विभव V1 है और इसके अंदर 6 लीटर पानी भरा हुआ है इसका विभव कितना देखते हैं V2। ठीक है, अगर अपन ने दोनों को यहां से किसी पाइप या यहां डायरेक्ट एक दूसरे को जोड़ दिया, इसमें से जो पानी ज्यादा किसके अंदर है, इसके अंदर है, क्योंकि इसके अंदर क्या 10 लीटर, इसके अंदर कितना 6 लीटर है, इसमें से पानी इधर जाएगा और ये कब तक जाएगा, जब तक दोनों क्या हो जाएंगे बराबर नहीं हो जाएगा। तो अब जो पानी बचेगा वो बचेगा, इसमें भी 8 लीटर हो जाएगा और दूसरे वाले में भी कितना हो जाएगा 8 लीटर हो जाएगा, दोनों का समान हो गया। लेकिन ये 20 लीटर की टंकी थी, ये 20 लीटर
रही और ये 10 लीटर की टंकी है वो 10 लीटर ही रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। तो वही बात यहाँ है कि धारिता तो क्या रहेगी इन दोनों के, संयोजन से पहले और संयोजन से बाद में दोनों में धारिता सेम रहती है, लेकिन विभव का मान है वो क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। तो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर गमन कर जाता है, उसके आवेश होते हैं और आवेश का मान है वो, अगर विभव चेंज हो रहा है समान हो रहा है तो कितने होंगे आवेश, Q1 डैश हो रहा है, Q2 डैश हो रहा है। इस तरह से अपने को क्या हो जाएगा, आवेशों का पुनर्वितरण हो जाएगा। अब अपन चेक करते हैं कैसे इसका कोई फॉर्मूला वगैरह कैसे बनेगा। तो देखो इसमें लिखना पड़ेगा, अपन ने क्या किया है, ये जो किया है ना वो सारे सारे लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा कि माना दो चालक ए तथा बी जिनकी त्रिज्या है क्रमशः R1 तथा R2 है, इन पर आवेश Q1 तथा Q2 विभव V1 व V2 धारिता है, C1 व C2 है। इन चालकों को एक चालक तार से जोड़ने पर विभव V समान हो जाता है, जबकि आवेश Q1 डैश तथा Q2 डैश हो जाते हैं। सिंपल सी बात ये हो गई। अब अपन चलते हैं कितने हो जाते हैं, तो ये संयोजन से पहले चालकों पर कुल आवेश, कुल आवेश कितना होगा, Q होगा वो कितना हो जाएगा, Q1 प्लस का कितना Q2 हो जाएगा। सिंपल। अब Q1 का मान कितना दे रखा है आपको, यहाँ पे Q1 प्लस कुछ होगा। अब चूंकि जो धारिता होती है C बराबर कितना होता है, Q अपॉन में V होता है, तो धारिता C1 बराबर Q1 अपॉन में कितना हो जाएगा, V1 हो जाएगा। तो जो Q1 की वैल्यू आएगी वो आएगी C1 V1 तथा Q2 की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, C2 V2। अतः Q का मान कितना मिला आपको, C1 V1 प्लस C2 V2, और ये समीकरण नंबर दीजिए अपन ने 1। अब क्या होगा, संयोजन के पश्चात कुल आवेश होगा वो कितना होगा, Q डैश मान लिया तो ये हो जाएगा Q1 डैश और ये हो जाएगा Q2 डैश। अब ये Q1 डैश का जो मान है वो कितना हो जाएगा, इसी प्रकार C भी होता है ना, इसका C1 लेकिन विभव का मान कितना दे रखा है यहाँ पे V, और Q2 का डैश का मान कितना हो जाएगा C2, विभव का मान कितना हो जाएगा V हो जाएगा, और जैसे रखेंगे तो ये Q डैश बराबर आता है, Q डैश बराबर हो जाएगा C1V प्लस का C2V, और ये समीकरण नंबर क्या होगी, 2 हो गई। ठीक है, तो देखिए अपने पास समीकरण नंबर 1 और 2 आ गई। तो एक चीज पढ़ी थी अपन ने, आवेश संचरण। आवेश संचरण क्या होता है कि कोई भी निकाय होता है उस पर आवेश हमेशा सुरक्षित रहता है, वो एक दूसरे को ट्रांसफर हो सकता है। तो वही बात यहाँ है, आपने ऐसे दोनों को जोड़ दिया जाए तो वैसे क्या हो जाएगा, आवेश हमेशा रहेगा, सुरक्षित रहेगा। तो आवेश संचरण से, आवेश संचरण से समीकरण 1 व 2 से क्या होगा, क्यू और क्यू डेस का दोनों का जो मान है वो रहेगा सेम। तो जैसे अपन रखेंगे क्यू का मान कितना है, C1 V1 प्लस C2 V2 बराबर क्यू डेस का मान है C1 V प्लस का C2 V। यहां से कॉमन आएगा वो क्या आएगा, यहाँ V कॉमन आ गया, तो C1 प्लस का कितना हो गया C2। तो इस V को बोलते हैं उभयनिष्ठ विभव, मतलब दोनों पर रहता है समान। तो V का मान देखोगे तो ये गुणा में इधर आके क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा,
सी वन वी वन प्लस का सी टू वी टू अपोन में कितना हो जाएगा सी वन प्लस का सी टू। ये उभयनिष्ठ विभव का मान प्राप्त होता है अगर अपन आवेशों का पुनर्वितरण करते हैं तो। ठीक, देखिए अपन ने जो उभयनिष्ठ विभव था वो अपन ने कैलकुलेट कर दिया, तो उभयनिष्ठ विभव का जो मान था वो कितना आया v बराबर c1 v1 प्लस का c2 v2 बटा में c1 प्लस का c2 आ गया। अब देखिए आपके पास दो दो चालक थे, एक में क्या होगा, मान लीजिए माना मेरे पास यहाँ पे v1 था वो ग्रेटर देन था v2, पहला वाले पे जो चालक था उस पर विभव का मान ज्यादा था, और जैसे संयोजन करते हैं तो ज्यादा विभव कम विभव की ओर जाएगा, तो अगर ऐसे जाता है तो उस कंडीशन में क्या होता है विभव में कमी होती। वही बात मैंने आपको अभी बताई थी कि एक है वो कितने थी 10 लीटर भरी हुई बाल्टी थी या टंकी थी, एक में वह था वो था आपके पास कितना 8 लीटर, ये था 6 लीटर, ठीक है 6 लीटर था। अब जैसे जोड़ते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोनों के अंदर क्या होगा समान होगा, ये कितना हो जाएगा 8 लीटर इसमें और यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 लीटर। तो देखिए इस कंडीशन में 10 लीटर ज्यादा होता है 6 लीटर से, तो यहाँ से जो पानी है वो दूसरी वाली टंकी में जाएगा, तो ऐसे ही कहानी यहाँ के V1 का मान ज्यादा होता है V2 से, तो V1 से V2 की ओर जाएगा, विभव में क्या होगी कमी आएगी। यहाँ पे 10 था तो कितना हो गया 8 हो गया, इसमें क्या हो रही है कमी हो रही है, और यहाँ पे 6 था जबकि इसमें कितना हो गया 8 हो गया, इसमें क्या हो रहा है वृद्धि हो रही है। तो कहानी यहाँ सेम है, अगर V1 का मान ज्यादा है V2 से तो प्रथम चालक में क्या होगी विभव में कमी होगी, प्रथम चालक के विभव में कमी। अब ये कितना करते हैं विभव में कमी को मैंने डेल वी से कर दिया, और डेल वी से कर यहाँ पे देखिए यहाँ पे वी वन है और ये कितना वी है, तो अगर मेरे को कमी चाहिए तो वो क्या करना पड़ेगा वी वन माइनस वी करना पड़ेगा, सिंपल कहानी वी वन माइनस वी मतलब 8 में से ये कितना 10 में से 8 यहाँ कितना हो गया 2 लीटर की कमी हुई, कहानी यही से है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा वी वन में से क्या घटा दिया मैंने वी कम कर दिया, तो मेरे पास क्या हो जाएगा डेल वी बराबर वी वन माइनस वी का मान कितना दिया होगा सी वन वी वन प्लस का सी टू वी टू अपॉन में सी वन प्लस का सी टू। अगर अपन देखें तो यहाँ से जो एलसीएम है वो कितना है सी वन प्लस का सी टू, इसमें आएगा तो वी वन ये हो जाएगा सी वन प्लस सी टू माइनस, मैंने ये माइनस को अंदर भेज के सी वन वी वन माइनस सी टू वी टू कर दिया। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे क्या देखा कि ये जो अंदर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा सी वन वी वन प्लस सी टू वी वन माइनस का सी वन वी वन माइनस सी टू वी टू अपॉन में सी वन प्लस का सी टू, तो ये तो हो जाएगा कैंसिल आउट सी टू वी वन माइनस सी टू वी टू, तो जो डेल यू का जो मान आएगा वो कितना आएगा यहां डेल वी का डेल वी बराबर यहां से सी टू वी वन माइनस सी टू वी टू अपॉन में सी वन प्लस का सी टू, तो जो कमी है वो यहां से क्या कॉमन आ रहा है सी टू कॉमन आ रहा है वी वन माइनस वी टू अपॉन में सी वन प्लस का सी टू, ये अपने पास क्या होगी कमी होगी विभव में, कौन से में प्रथम चालक के विभव में कमी। इसी प्रकार क्या हो जाएगा इसी प्रकार दूसरे चालक के विभव में वृद्धि होगी। अब विभव में वृद्धि क्यों होगी मैंने अभी बताया था कि जो 6 लीटर वाली थी उसमें 8 हो गया, तो क्या 6 से 8 और 2 में वृद्धि होगी, तो इसको मैं लिख रहा हूं डेल वी डैश से लिख रहा हूं सिंपल। अब देखिए यहां पर क्या होता है कि अगर वृद्धि होती है तो मेरे को उभयनिष्ठ में से वी टू घटाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि अभी मैंने एग्जांपल बताया था इसमें 6 लीटर था और बाद में दोनों को जोड़ा तो 8 लीटर हो गया, अगर ऐसी कहानी है ये उभयनिष्ठ है 8 लीटर, तो 8 लीटर में से 6 लीटर कम है, ये ज्यादा है मतलब वी का मान ज्यादा है और ये वी टू का मान कम है, तो वी में से क्या करेंगे वी टू घटाएंगे, तो डेल वी डेस बराबर वी का मान कितना आया हुआ है सी वन वी वन प्लस का सी टू वी टू अपॉन सी वन प्लस सी टू माइनस कितना रख दिया मैंने वी टू कर दिया। अगर मेरे को डेल वी डेस का मान अगर एलसीएम लेते हैं तो सी वन प्लस का सी टू आएगा, और जैसे रखेंगे तो सी वन वी वन प्लस सी टू वी टू ये इससे गुणा होगा तो सी वन वी टू, और इसको इससे करोगे तो माइनस का सी टू वी टू हो जाएगा,
तो ये हो गया कैंसिल आउट, तो डेल वी डेस का जो मान आएगा इसमें सी वन वी वन माइनस सी वन वी टू, तो मैंने सी वन कॉमन ले लिया तो वी वन माइनस वी टू अपॉन में आ गया सी वन प्लस का सी टू, ये आ रही है आपके पास वृद्धि हो रही है। ठीक है, इसमें चालक में विभव में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। अगर मैंने यहाँ पर विभव और इसमें कमी और वृद्धि का अनुपात देखा जाए तो वो देखते हैं कितना आता है। देखो अनुपात की बारी आती है, अगर मैं डेल वी अपॉन डेल वी डेस करता हूं तो ये हो जाएगी सी टू वी वन माइनस वी टू अपॉन में सी वन प्लस का सी टू, वो आता है सी वन वी वन माइनस सी टू अपॉन में सी वन प्लस का सी टू, और ये देखिए बाकी सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे ये वाले। तो यहाँ पे जो डेल v अपॉन डेल v डेस का जो मान है वो कितना आया, c2 अपॉन में c1 आया। तो इससे क्या पता चला कि जो प्रथम चालक के विभव में जो कमी हो रही है वो धारिता के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, तो यहां अपन लिख सकते हैं, अतः चालक के विभव में कमी या वृद्धि उसकी धारिता के व्युत्क्रम होती है, देखो यहां पे कमी हो रही है प्रथम में, तो प्रथम में आ रही है सी वन अपॉन में आ रहा है, तो जो कमी है वो क्या है अपॉन मतलब बटा में आ रहा है, और ये जो वृद्धि हो रही है ये ऊपर आ रहा है सी टू दूसरे वाले में, तो सी टू, तो देखिए आपके पास क्या हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा, जो कमी या वृद्धि होती है वो धारिताओं की व्युत्क्रमानुपाती होती है।